नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। वक्त हो गया है खबरों की डबल डोज एक और 11 का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। तो एक और 11 में अगले एक घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। तमाम खबरों के साथ हम आपको डिटेल एनालिसिस हर एक खबर का दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे सियासी हलचल, कोरोना का डर और घोटाले के नाम पर कितने घाव। और साथ ही एक खबर होगी अलीगढ़ से, जहां एक मस्जिद को ढका गया है ताकि होली के दौरान भाईचारे का रंग बना रहे। बिहार की राजनीति में मिस्ट्री गर्ल की एंट्री ने सियासत को चौंका दिया है। एक नेता की बेटी का सरकार को खुला चैलेंज किया है, आपको दिखाएंगे। बस आधे घंटे बाद देखिए खास शो, पति पत्नी बेटी और घोटाला, क्या येस बैंक घपले में सब साथ साथ है। और आपको दिखाएंगे हम कोरोना का कहर भी, आखिर डर कितना है और क्या बीमारी को लेकर होली के रंग हुए बेरंग। आगे बढ़े लेकिन पहले इस वक्त की 100 खबर। भारत में कोरोना का बढ़ा खतरा, पूरे देश में अब तक 41 लोगों की वायरस की पुष्टि। केरल की 3 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद जांच, माता पिता भी आइसोलेशन में। जम्मू में ईरान से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव, 2 संदिग्ध केस को रखा गया अलग वार्ड में। ओमान से तमिलनाडु लौटा एक शख्स कोरोना से पीड़ित, मरीज के परिवार को भी निगरानी में रखा गया। ईरान से लद्दाख लौटे 2 लोगों में कोरोना वायरस निकला पॉजिटिव, लेह लद्दाख के सभी स्कूल 31 मार्च तक रहेंगे बंद। कोरोना वायरस लेकर दिल्ली में टास्क फोर्स की बैठक, तैयारियों का लिया गया जायजा। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में कोरोना वायरस के 3 मामले, तीनों के संपर्क में आ चुके हैं 287 लोग। दिल्ली के 25 अस्पतालों में अब तक कोरोना वायरस की जांच की व्यवस्था, 40 डॉक्टर एयरपोर्ट पर मौजूद। लखनऊ के केजीएम अस्पताल में कोरोना से लड़ने के लिए मेडिकल कमांडोज बनाए गए, सारे उपकरण से लैस। राजस्थान में हाई अलर्ट पर सरकार, अब तक करीब 28,000 लोगों की गई स्क्रीनिंग। चीन के बाद इटली में कोरोना वायरस से हाहाकार, एक दिन में 133 लोगों की मौत, अब तक कोरोना वायरस से कुल 366 लोगों की मौत। इटली के पेडमोंट के गवर्नर भी कोरोना वायरस के शिकार, फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी। 94 देशों के 1,02,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, WHO ने जारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस की दहशत, उत्तरकाशी में कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए स्कूली बच्चियों ने मॉडल दिखाया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में बनाया अनोखा आर्ट, होली में कोरोना से बचने की दी सलाह। कोरोना की वजह से रद्द हुआ पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा, हसीना सरकार ने आगे बढ़ाया मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी समारोह। 17 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर जाने वाले थे पीएम मोदी, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बिना किसी सार्वजनिक सभा के अब समारोह का करेंगी उद्घाटन। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का निधन, दिल का दौरा पड़ने से कल देर शाम हुआ निधन। हंसराज भारद्वाज के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा के घर पहुंचे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, परिजनों से की मुलाकात। येस बैंक घोटाले में 30 घंटे की पूछताछ में राणा कपूर ने उगले कई राज, 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने पूरे राणा परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, बेटी रोशनी कपूर को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका। बीती रात ईडी ने राणा कपूर की पत्नी और बेटी से करीब 2 घंटे की पूछताछ, जिसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया। येस बैंक मामले में सीबीआई की एंट्री, सीबीआई ने राणा कपूर, दीवान हाउसिंग और DOIT के खिलाफ FIR दर्ज की। राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर 23 कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी बेटी राधा कपूर खन्ना भी 20 कंपनी में निदेशक। राणा कपूर और बेटियों की ज्यादातर कंपनियों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक जैसा, एक कंपनी में एक भी कर्मचारी नहीं। येस बैंक ने DHFL से खरीदे 3,700 करोड़ के ऋण पत्र, पत्नी बिंदु कपूर भी 18 कंपनियों में डायरेक्टर। येस बैंक केस पर सियासत तेज, केंद्रीय मंत्री रविशंकर बोले जब मनमोहन थे पीएम तब दिए गए बेहिसाब नोट। कांग्रेस का पलटवार, राशिद अल्वी ने कहा संकट की सरकार को पहले से थी जानकारी, पूरी जिम्मेदारी उसी के सर। बिहार की राजनीति में जेडीयू नेता विनोद चौधरी की बेटी के बयान से तूफान, पुष्पम प्रिया ने खुद को बिहार का अगला सीएम उम्मीदवार घोषित किया। पुष्पम प्रिया ने अखबारों में छपा इश्तेहार, जेडीयू नेता और प्रिया के पिता विनोद कुमार ने बेटी का दिया साथ। लंदन में पढ़ाई कर लौटी हैं पुष्पम प्रिया, प्लूरल्स नाम की नई पार्टी का किया गठन। पुष्पम प्रिया का दावा 2025 तक बिहार बनेगा देश का सबसे विकसित राज्य, 2030 तक यूरोपियन देशों के बराबर होगा विकास।
सीताराम येचुरी के तीसरी बार राज्यसभा जाने के रास्ते में आई मुश्किल, पोलित ब्यूरो के सदस्यों ने उठाई आपत्ति। लखनऊ में पोस्टर लगाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रविवार को सुनवाई पूरी, आज सुनाया जा सकता है फैसला। पोस्टर लगाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी, पूछा कि किस नियम के तहत फोटो लगाए गए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस मामले का स्वतः ज्ञान लिया, पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी किए गए तलब। इलाहाबाद की सख्त टिप्पणी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कोर्ट में रखेंगे दलील। योगी पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, खुद को संविधान से ऊपर समझती है बीजेपी सरकार। दिल्ली हिंसा की जांच पर आप विधायक अमानतुल्ला खान का सवाल, कहा सिर्फ मजहब के नाम पर हो रही है गिरफ्तारी। अंकित शर्मा मर्डर के आरोपी ताहिर हुसैन के बचाव में अमानतुल्ला बोले, मुसलमान होने की वजह से लगे आरोप। दिल्ली से इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस के दो संदिग्ध गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती हमले की थी साजिश। पति पत्नी है जहान जैब सामी और हिना बशीर बेग, दिल्ली में सीए के खिलाफ लोगों को भड़काने में दोनों का हाथ। सामी और हिना बशीर बेग ने इंडियन मुस्लिम यूनाइटेड नाम से बनाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कई संवेदनशील सामग्री जब्त। खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हैं कश्मीर के ताल्लुक रखने वाले दंपति, पुलिस को आतंकी हमले की साजिश के मिले सबूत। जो इनके यहाँ से लिटरेचर मिला और बाकी चीजें मिली, तो लिटरेचर से ये समझ में आ रहा है कि ये आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से कनेक्टेड है। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में फिर तोड़ा सीज़फ़ायर, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, केरनी कस्बा शाहपुर सेक्टर में गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर, पूरे इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। पैतृक गांव फुलवारिया पहुंचे तेज प्रताप यादव ने अस्पताल में एक कर्मचारी को लगाई फटकार, जन्म प्रमाण पत्र के लिए घूस मांगने का आरोप। ओले गिरने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को मुआयने करने उतारा, 18 मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में ले रहे हैं जायजा। दौसा में बर्बाद फसल का मुआयना करते वक्त रो पड़ी मंत्री भूपेश, दौसा किसानों ने रोते हुए सुनाया दुखड़ा। अमेठी में समाजवादी पार्टी की नेता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ छेड़ा पोस्टर वॉर, बताया झूठा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की 4 अप्रैल को बैठक, राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त का हो सकता है ऐलान। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बाइक तमंचा और कैश के साथ बदमाश गिरफ्तार। प्रयागराज में अनोखी लूट, पिस्टल वाली पिचकारी दिखाकर युवा को लूटा। बागपत में 4 महीने की बेटी की हत्या करने के बाद मां ने की आत्महत्या, गृह क्लेश और आर्थिक तंगी से थी परेशान। जोधपुर में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर, 4 लोगों की मौत। सिरसा में सड़क हादसे में गैस टैंकर और टवेरा गाड़ी में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत। भागलपुर में पारिवारिक कलह की वजह से सिपाही ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर। भिंड में बस पर चढ़ते वक्त हादसा, बस के पहिए के नीचे आकर शख्स की मौत। इटावा में बच्चा चोर समझकर महिला की पिटाई, मानसिक रूप से बीमार थी महिला। हरदोई में ज्वेलरी शॉप से महिला ने 50,000 से ज्यादा के गहने पर हाथ किया साफ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सहारनपुर में 2 पक्षों में लेन देन को लेकर विवाद, जमकर मारपीट। भिवानी में बेटे ने की मां की कुल्हाड़ी से हत्या, जमीनी विवाद में किया कत्ल। झारखंड के कोडरमा में 4 मार्च से लापता छात्र की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में लापता बच्ची का शव घर की छत पर बोरी में मिला, आपसी रंजिश के चलते हत्या का शक। अलवर में महिला के साथ 1 महीने तक गैंगरेप, अश्लील वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। शामली में गाड़ी की मामूली टक्कर में 2 पक्षों में जमकर विवाद, चले लात घूंसे। गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल टीम की छापेमारी, अवैध सैनिटाइजर और मास्क बरामद किए गए। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में एम्बुलेंस में शराब की तस्करी, पुलिस ने पकड़ी 26 अवैध पेटियां। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 समुदाय के बीच विवाद, जमकर हुआ पथराव। पटना में गेस्ट हाउस की दीवार गिरी, 1 महिला की मौत। झारखंड के जामताड़ा में होली के मृदंगियों पर पुलिस की नजर, शहर में निकाला फ्लैग मार्च। सहारनपुर में किसान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, बैंक के कर्ज तथा परेशान। नोएडा में स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत। लातेहार में दर्दनाक हादसा, नदी में डूबकर 1 ही परिवार के 3 लोगों की मौत। भारतीय सेना बनी डेरा की गली में देवदूत, बर्फ में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया। प्रयागराज में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, दुकान पर जेसीबी चलवाकर किया गया सील। कटनी में 5 दिन से बाघ की वजह से दहशत, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर बाघ को पिंजरे में किया कैद।
लखनऊ में दर्दनाक हादसा, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे को जहर देने के बाद किया सुसाइड। नोएडा के एक मॉल में हैरान करने वाली घटना, शोरूम के कर्मचारी ने चेंज कर रही महिला का वीडियो बनाने की कोशिश की, आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी में अपराधियों का तांडव, भोज कारोबारी और उसके भांजे को मारी गोली। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों पर चढ़ा होली का खुमार, हर धर्म के छात्र ने लिया हिस्सा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में लक्ष्मीनाथ मंदिर में फूलों की होली, जमकर तिरके भक्त। वाराणसी में मोदी और योगी की पिचकारी की धूम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। झांसी के एरक्ष में होली महोत्सव में निकली हिरणा कश्यप और प्रहलाद की शोभा यात्रा, बुंदेलखंडी गानों में जमकर तिरके लोग। बांके बिहारी मंदिर में चढ़ा होली का खुमार, भगवान के साथ होली खेलते नजर आए भक्त। सासाराम के हनुमान मंदिर में 50 साल से जारी है होली गीत गाने की परंपरा, 25 गांव के लोग लगाते हैं हाजिरी। प्रयागराज में होली से पहले बुराइयों को खत्म करने के लिए निकली हथौड़ा बारात, बैंड बाजे के साथ निकली भव्य बारात। कोटा में होली के पर्व पर बनती हैं विशेष झांकियां, इस बार हैदराबाद एनकाउंटर की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र। हैदराबाद में होली पर हर्बल रंगों को बढ़ावा, बाजार में हर्बल रंगों की डिमांड बढ़ी। उत्तराखंड के बागेश्वर में बर्फबारी, बर्फ के बीच 75 गांवों की होली पहुंची भ्रामरी मंदिर। ग्रीस सरकार ने टर्की के उत्पादियों को वीडियो जारी किया, वीडियो में बॉर्डर की तार को गिरा रही है टर्की की हथियारबंद गाड़ी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बाढ़ पीड़ितों ने की धक्का मुक्की, बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरा करने गए थे जॉनसन। स्पेन में बराबरी के अधिकार को लेकर महिलाओं का मार्च, हजारों महिलाएं हुई शामिल। इस्लामाबाद में महिलाओं के मार्च पर पत्थरबाजी, इस्लामी कट्टरपंथियों ने फेंके पत्थर और जूते। कोलंबिया में जानवरों की तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने हजारों की संख्या में छोटे कछुओं को पकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आईसिस के जुड़े जिस संदिग्ध पति पत्नी को कल गिरफ्तार किया था उसे लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को पति पत्नी के पीएफआई मेंबर से जुड़े होने के तार मिले हैं। पति पत्नी की गिरफ्तारी के बाद कल रात दिल्ली के त्रिलोकपुरी से पुलिस ने एक पीएफआई मेंबर को हिरासत में लिया। ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पति के कई नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट है। गिरफ्तार हुए जहान जैद सामी और हिना बशीर बेग पति पत्नी हैं और दोनों ओखला विहार में रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों दिल्ली में आत्मघाती हमले की तैयारी में थे और दोनों की भूमिका दिल्ली में सीएए के खिलाफ लोगों को भड़काने में भी रही है। और जरा जानकारी के साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, आप पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं, किस तरह से इस पति पत्नी के तार सीए प्रोटेस्ट से जुड़े हैं, क्या ये लोग फंडिंग कर रहे थे, वहां पर बैठते थे, क्या कुछ इनके मद्देनजर सामने आया है? देखिए नेहा, मैं आपको सीधा दिखाता हूं, ये आप देख पा रहे हैं, ये मैगजीन है स्वात अल हिंद। ये मैगजीन 27 तारीख को टेलीग्राम चैनल पर डाली गई थी और आज तक ने रिपोर्ट भी किया था। ये पूरी मैगजीन है जिसमें काफ़ी नफरत भरी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसमें बकायदा एंटी सीए प्रोटेस्ट के बारे में लिखा गया है। ये सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म पर डाला गया था और हमें जब ये जानकारी मिली थी हमने रिपोर्ट भी किया था। उसके बाद एजेंसी, चूंकि ये जो पति पत्नी है वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे लगातार, काफ़ी पढ़े लिखे हैं इसलिए इनको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद फाइनली आईबी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इनको ट्रैक किया है साइबर एक्सपर्ट की मदद से और इनको अरेस्ट किया। अब इनसे पूछताछ के बाद एक शख्स को ईस्ट दिल्ली इलाके से, जो पूर्वी दिल्ली इलाके का रहने वाला है, उसको हिरासत में लिया। वो पीएफआई का मेंबर है, फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो ये पति था, जो पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं, जो पति है वो पांच अलग अलग नामों से सोशल मीडिया साइट पर जानकारी आप शेयर कर रहे हैं अरविंद की, किस तरह से जो है इनका ये नेटवर्क फैला हुआ था। लेकिन बहुत अहम यहाँ पर अब ये भी जानना है कि ये पूरा मामला क्या है, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी का आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के जामिया इलाके से एक दंपति को गिरफ्तार किया है जिनके तार इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हैं। दोनों पर सीए के खिलाफ प्रदर्शन के लिए भड़काने का आरोप है। 36 साल के जहान बेग सामी और उसकी पत्नी हिना बशीर बेग को कल सुबह ही पुलिस ने ओखला विहार में छापे मारकर गिरफ्तार किया। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट के जज के घर में पेश किया गया जहां से दोनों को 17 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
गिरफ्त में आए जहान बेग सामी के कई नाम हैं, मसलन दाऊद इब्राहिम, मोहम्मद अल हिंद और अबू अब्दुल्ला। श्रीनगर के रहने वाले सामी काफी वक्त से दिल्ली में रहता था। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सदस्य थे। आरोप है कि दोनों भड़काने वाले बैनर, पोस्टर, लिटरेचर फैलाकर लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसाते थे। दोनों सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहे हैं। फर्जी आईडी से दोनों टेलीग्राम, फेसबुक, थ्रीमा, शोर स्पॉट, इंस्टाग्राम के साथ साथ ट्विटर पर भी आईएस के एजेंडे को आगे बढ़ाते थे। इनका ताल्लुक आईएसआईएस के खुरासान प्रोविंस के मॉड्यूल से है, तो इस इन्फॉर्मेशन पे इनके यहाँ रेड की गई और रेड में जो इनके यहाँ से लिटरेचर मिला और बाकी चीज़ें मिली, तो लिटरेचर से ये समझ में आ रहा है कि ये आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से कनेक्टेड है। और उस लिटरेचर से ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि इन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट को भी उसमें इंस्टिगेशन की बातें कही गई हैं। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी में दोनों के घर से 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 हार्ड डिस्क के साथ कई भड़काऊ सामग्री जब्त की। आरोप है कि आईएस की ऑनलाइन मैगजीन पर भी दोनों सक्रिय रहे हैं। ये लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को इस्तेमाल कर भी लोगों को भड़काते थे। 27 फरवरी को ही पुलिस जांच में दोनों कपल की करतूतें सामने आई थीं, लेकिन पुख्ता सबूत के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली कौन थे दंगाई? वीडियो नहीं है, फुटेज नहीं है, ऑडियो नहीं है, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद भी आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये सारे दंगे ये कह रहे हो कि मुसलमानों ने कराए या ताहिर हुसैन ने कराए। ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो मुसलमान है। ताहिर हुसैन की गलती कि वो माइनॉरिटी में आता है, कमज़ोर है, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कपिल मिश्रा मेजोरिटी में, इसलिए वो ठीक है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जानकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत अफसोसजनक है। और मैं अपील करूँगा केजरीवाल साहब से, कृपा कर दंगे द्वारा ना भड़काएं, अपने विधायक के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज करें। उसकी जो भाषा है वो दंगे भड़काने वाली है। जब वो कहता है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो उसके उनका उन्होंने एक ऐड निकाला था फुल पेज का, उस जो भी ऐड निकाला है, जो भी उन्होंने जो भी धाराएं चाहें की है, उसके अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। क्योंकि पुलिस की कार्रवाई कहीं ऐसी कार्रवाई नहीं है, पुलिस ने दोनों प्रकार के लोग, दोनों धर्मों से लोग पकड़े हैं। दिल्ली हिंसा की जांच पर भी अब हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के बहाने आम आदमी पार्टी के विधायक ने अब मुस्लिम कार्ड चला है। जामिया इलाके से आप विधायक अमानतुल्ला खान ने आरोप लगाया है कि हिंसा में जांच की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। गिरफ्तारी ज्यादातर मुस्लिम इलाकों से हो रही है। आप उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हो, आप उन्हें बचा रहे हो। कौन थे दंगाई? वीडियो नहीं है, फुटेज नहीं है, ऑडियो नहीं है, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद भी आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये सारे दंगे ये कह रहे हो कि मुसलमानों ने कराए या ताहिर हुसैन ने कराए। ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो मुसलमान है। ताहिर हुसैन की गलती कि वो माइनॉरिटी में आता है, कमज़ोर है, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कपिल मिश्रा मेजोरिटी में, इसलिए वो ठीक है, तो ये तो गलत है। और अगर पक्षपात होगा, आप सिर्फ मुसलमानों से ज्यादती करोगे, उनको जेल भेजोगे, उनको दंगाई ठहराओगे, तो इस मुल्क में दंगे होते रहेंगे, दंगाई बचते रहेंगे, दंगाई की पुष्ट पनाही होती रहेगी। तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि भाई हमारा कसूर क्या है। आप विधायक के मुस्लिम कार्ड पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल को घेर लिया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने पार्टी से पूछा कि क्या ये आपका भी स्टैंड है। वहीं कांग्रेस ने भी एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जानकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत अफसोसजनक है। और मैं अपील करूंगा केजरीवाल साहब से, कृपा कर दंगे द्वारा ना भड़काएं, अपने विधायक के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज करें। क्योंकि उसकी जो भाषा है वो दंगे भड़काने वाली है। जब वो कहता है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस की कार्रवाई कहीं ऐसी कार्रवाई नहीं है, पुलिस ने दोनों प्रकार के लोग, दोनों धर्मों से लोग पकड़े हैं। निश्चित तौर से अगर भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, जो जिम्मेदार हैं दिल्ली के आग लगाने के, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं अभी तक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया?
जो आदमी उल्टे सीधे बयानात दे रहा है वो सब सड़कों पर घूम रहे हैं। ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान के बीच क्राइम ब्रांच ताहिर के भाई शाह आलम की तलाश में जुटी है। ताहिर के सौतेले भाई शाह आलम पर शिकंजा कसने में दिल्ली पुलिस की कई टीमें जुटी हैं। दिल्ली के चांदबाग हिंसा में ताहिर हुसैन के कई करीबियों के नाम सामने आ रहे हैं और पुलिस सभी के खिलाफ सबूत जुटा रही है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी ने वादे के मुताबिक महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया की कमान महिलाओं के सुपुर्द कर दी। जिन महिलाओं ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उनकी कहानियां सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पीएम मोदी ने जो वादा किया था वो भी आज पूरा होने लगा। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं के हवाले कर दिए गए। सबसे पहले आई चेन्नई की स्नेहा मोहनदास। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा मोहनदास है। मैं अपनी माँ से प्रेरित हूँ जिनसे मैंने भूखे लोगों को खाना खिलाना सीखा। मैंने फूड बैंक इंडिया नाम से एक नई शुरुआत की है। स्नेहा के ट्वीट से ही उनका मिशन साफ है। गरीब बेसहारा लोगों का पेट भरना ही उनकी जिंदगी का मिशन है। 2015 से स्नेहा ने खुद को इस मिशन में झोंक रखा है। I started this food bank on 2015 before Chennai flood. The basic motto is to fight against hunger and create a hunger-free nation. My mom used to call all the orphanage kids to home to serve food on my grandpa's birthday and special occasions. So that is how all it started. Sneha ke baad PM Modi ka Twitter sambhala Rajasthan ki Malvika Iyer ne. स्वीकार करना खुद को सबसे बड़ा पुरस्कार देने जैसा है। हम अपना जीवन नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन जीवन के प्रति अपना रवैया जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। आखिर में यही मायने रखता है कि हमने चुनौतियों का सामना कैसे किया। मुझे और मेरे काम के बारे में और जानिए मालविका अय्यर। मालविका का जीवन संघर्षों से जंग और हौसलों की फतह का खुला दस्तावेज है। सिर्फ 13 साल की उम्र में बीकानेर बम धमाके में मालविका ने दोनों हाथ गंवा दिए। ऐसी हालत में किसी के भी हौसले चूर हो जाए, लेकिन मालविका ने अपनी जिंदगी के लिए क्या तय किया, खुद उन्हीं से सुनिए। I was 13 years old when I lost both my hands in a bomb blast accident in Bikaner, Rajasthan. Along with my hands, both my legs were severely injured with multiple fractures and loss of sensation. Luckily, I survived that night and I was able to understand the big picture as to what lies in front of me. The most important thing that helped me overcome my disability is, I believe, education. कश्मीर की आरिफा पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट संभालने वाली तीसरी महिला है। मैं हमेशा कश्मीर की परंपरागत कलाओं को पुनर्जीवित करना चाहती थी क्योंकि इससे स्थानीय महिलाओं को शक्ति मिलती है। महिला कलाकारों की हालत देखने के बाद मैंने नमदा प्रोजेक्ट शुरू किया। मैं कश्मीर के रहने वाली आरिफा हूँ और ये है मेरी जिंदगी की कहानी। पारंपरिक कलाओं का महिलाओं की आर्थिक मजबूती से कितना अहम नाता है ये आरिफा अच्छे से समझती हैं। यही वजह है कि दहशतगर्दी के साए में जीने वाले कश्मीर में उन्होंने खोती जा रही कलाओं में फिर से जान फूंकने का जिम्मा उठाया। आज तक ब्यूरो। महिला दिवस के मौके पर कल देश भर से कुछ चुनिंदा महिलाओं का राष्ट्रपति भवन में सम्मान किया गया। ये महिलाएं किसी भी आम हिंदुस्तान परिवार की महिलाएं हैं लेकिन इनके बुलंद हौसलों की कहानी बेजोड़ है। सरदार की मां कौर पटियाला पंजाब, उम्र 103 वर्ष, आपको चंडीगढ़ का चमत्कार के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन में 103 साल की सरदारनी मान कौर ने मंच पर कदमताल करना शुरू किया तो खुद राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत पूरे हॉल में मौजूद लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी।
जिस उम्र में ज्यादातर लोग दूसरों के सहारे के मोहताज हो जाते हैं, उस उम्र में मानकौर एथलेटिक्स ट्रैक पर उतर गई और न सिर्फ उतरी बल्कि देश विदेश की प्रतियोगिताओं में 30 से ज्यादा मेडल भी जीते। दौड़ वास्ते भी दौड़ बहुत ज्यादा लाई है ना, जित भी गए सारे जीत के आई हूँ मैं, अमेरिका गई, कनेडा गई, चार सौ पहला था 100 मीटर 100 दी रेस लाई, फिर 200 दी लाई, फिर 400 दी लाई रेस अमेरिका च। अच्छा फिर देख ला उत्थे मैं अमेरिका पहली बार गई जब, कहने फिर मैं छिण दे 2 मेडल लिया। मानकौर जैसी अलहदा और काबिलियत और देश को जिंदगी का जज्बा सिखाने वाली 16 महिलाओं को आज महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। ये सभी नाम अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। इनमें से एक है केरल की 96 साल की कार्तियानी और 105 साल की भागीरथी अम्मा, दोनों ने इस उम्र में चौथी की परीक्षा पास की है। कार्तियानी अम्मा ने 100 में 98 अंक हासिल किए जबकि भागीरथी अम्मा को गणित में 75 में से 75 अंक मिले। राजनगर झारखंड आपको लेडी टार्जन के रूप में भी जाना जाता है, आप जंगलों तथा वन्य जीवन को संरक्षित करने के प्रति। लेडी टार्जन नाम से मशहूर झारखंड की चामी मुर्मू को भी नारी शक्ति सम्मान दिया गया। चामी ने अपना जीवन जंगलों और प्राकृतिक संपदा की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं लद्दाख की निलजा वांगमो को ये सम्मान भूले बिसरे लद्दाखी पकवानों को फिर से जिंदा करने के लिए दिया गया है। निलजा एक किचन चलाती है और इनके साथ कई लद्दाखी युवा जुड़े हैं। खास नजीर तथा यहाँ तक कि भूले बिसरे पकवानों को परोसता है। आपके किचन में कई युवा ग्रामीण महिला कर्मी हैं जिन्हें आपने खुद ने प्रशिक्षित किया। येस बैंक संकट में सीबीआई की छापेमारी, दिल्ली से लेकर मुंबई तक सबूत खंगालने में जुटी जांच एजेंसी। ईडी ने पूरे राणा परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। बेटी रोशनी कपूर को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका। भारत में कोरोना का बढ़ा खतरा, पूरे देश में अब तक 41 लोग में वायरस की पुष्टि। केरल की 3 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद जांच, माता पिता भी आइसोलेशन में। जम्मू में ईरान से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव, 2 संदिग्ध केस को रखा गया अलग वार्ड में। कोरोना वायरस की वजह से रद्द हुआ पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा, हसीना सरकार ने आगे बढ़ाया मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी समारोह। 17 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर जाने वाले थे पीएम मोदी, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बिना किसी सार्वजनिक सभा के समारोह का उद्घाटन करेंगी। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली में हुई थी टास्क फोर्स की बैठक, तैयारियों का लिया गया जायजा। दिल्ली के 25 अस्पतालों में अब कोरोना वायरस से जांच की व्यवस्था, 40 डॉक्टर एयरपोर्ट पर मौजूद। लखनऊ के केजीएम अस्पताल में कोरोना से लड़ने के लिए मेडिकल कमांडो बनाए गए, सारे उपकरण से लैस। बिहार की राजनीति में जेडीयू नेता विनोद चौधरी की बेटी के बयान से तूफान, पुष्पम प्रिया ने खुद को बिहार का अगला सीएम उम्मीदवार घोषित किया। पुष्पम प्रिया ने अखबारों में छपा इश्तिहार, जेडीयू नेता और प्रिया के पिता विनोद कुमार ने बेटी का दिया साथ। लखनऊ में पोस्टर लगाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रविवार को सुनवाई पूरी, आज सुनाया जा सकता है फैसला। योगी पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, कहा खुद को संविधान से ऊपर समझती है बीजेपी सरकार। दिल्ली हिंसा की जांच पर आप विधायक अमानतुल्ला खान का सवाल, काफिर मजहब के नाम पर हो रही है गिरफ्तारी। झारखंड के पलामू में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के पटाखे आग में स्वाहा। मधुबनी में शराब कारोबारी को पकड़वाने की मुखबिरी करने वालों को आरोपी ने पुलिस के सामने पीटा, मामले में 2 गिरफ्तार। हरदोई में शिक्षिका से बस में छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस वाले की पिटाई, परिजनों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। अलवर में चोरी के आरोप में महिला की भरी बाजार पिटाई, आरोपी महिला के कपड़े तक फाड़ दिए। हरदोई में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने एक दुकानदार को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों पर चढ़ा होली का खुमार, हर धर्म के छात्रों ने लिया हिस्सा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में लक्ष्मीनाथ मंदिर में फूलों की होली, जमकर थिरके भक्त। वाराणसी में मोदी और योगी की पिचकारी की धूम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या संदेश। झांसी के एरच में होली महोत्सव में निकली हिरणा कश्यप और प्रहलाद की शोभा यात्रा, बुंदेलखंडी गानों में जमकर थिरके लोग। बांके बिहारी मंदिर में भी चढ़ा होली का खुमार, भगवान के साथ होली खेलते नजर आए भक्त।
इस वक्त की बड़ी खबर यस बैंक से जुड़ी हुई है। यस बैंक घोटाले में सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की। राणा कपूर की बेटियों पत्नी से कल देर रात तक पूछताछ भी की गई है। वैसे पूरे घोटाले में एक ट्विस्ट उस पेंटिंग से भी आ गया है जिसे राणा कपूर ने 2 करोड़ में प्रियंका गांधी से खरीदा था। और इस पेंटिंग पर भी ईडी ने सवाल किया और कहा कि राणा ने मिलिंद देवड़ा के कहने पर प्रियंका से पेंटिंग खरीदी थी। तो आर्थिक अपराध शाखा अब इस मामले की जांच करते हुए, सीबीआई भी इस मामले को देख रही है, ईडी अलग से पूछताछ कर रही है, लेकिन पेंटिंग को लेकर ये पेज फंसा हुआ है। प्रियंका गांधी से ये पेंटिंग खरीदी और अब इस मामले को लेकर भी सवाल जवाब इनसे आगे किए जा रहे हैं। हालांकि जांच का ये शिकंजा पूरे परिवार पर है, राणा कपूर, उनकी पत्नी और 3 बेटियां, क्योंकि किस तरह से ये वित्तीय लेन देन हुए, किन कंपनीज में कैसे पैसे गए, किन्हें लोन दिया गया, ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त जांच के दायरे में हैं। और इससे पहले रोशनी कपूर, राणा कपूर की बेटी, जो मुंबई से लंदन जाने की फिराक में थी, उन्हें भी लंदन जाने से रोक दिया गया। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, ये जो पेंटिंग का नया एंगल निकलकर सामने आया है, गांधी परिवार को इससे जोड़ दिया गया, मिलिंद देवड़ा का इसमें नाम सामने आ रहा है, और क्या कुछ जानकारी मिली है? जी देखिए, अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा केस था वो एक राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब जो प्रवर्तन निदेशालय है यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो साफ तौर पे कह रहा है कि ये जो 2 करोड़ रुपए राणा कपूर ने प्रियंका गांधी को उस पेंटिंग के एवज में दिए थे, ये कुछ नहीं थे बल्कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि जो पैसे उन्होंने गलत तरीके से हथियाए थे उससे 2 करोड़ रुपये निकाल के ये पेंटिंग खरीदा गया था। अब ये जो पेंटिंग है ये MF सैन ने बनाई हुई थी और प्रियंका गांधी के पास में उस वक्त थी, लेकिन जो प्रवर्तन निदेशालय, उनका कहना है कि मिलिंद देवरा जो है उस वक्त वो राणा कपूर को मिलते हैं और राणा कपूर को ये कन्विंस किया जाता है कि नहीं, आप ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में प्रियंका गांधी से खरीद लीजिए। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि इस पेंटिंग का असली दाम क्या है, लेकिन 2 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग खरीद ली जाती है और ईडी जो है वो इस बात की जाँच कर रहा है कि ये 2 करोड़ रुपए आखिरकार राणा कपूर कहाँ से लेकर आए। और कहीं ना कहीं अब जाँच की आँच जो है वो गांधी परिवार तक पहुँच रही है। बीजेपी लगातार हमले कर रही है, जबकि जो कांग्रेस है वो कह रही है कि पूरा का पूरा जो घोटाला हुआ है वो तो साल 2018 में हुआ, उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है, लेकिन जिस तरह से अब ये पेंटिंग की बात आई है, कहीं ना कहीं ये मामला 2010 से जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2010 में सबसे पहले ये पेंटिंग की बात आई थी। 2019 में आयकर विभाग को प्रियंका गांधी ने खुद इस बारे में जानकारी दी थी कि मैंने एक पेंटिंग राणा कपूर को बेची है, लेकिन अब राणा कपूर के ऊपर सीबीआई और ईडी दोनों ने FIR दर्ज की है और अब पेंटिंग को लेकर ईडी ने आधिकारिक रूप से जाँच शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी और राणा कपूर जो है अब उस जाँच की आँच में आ रहे हैं। जी, कई बार इस तरह के केसेस में देखा जाता है कि इस तरह से कोई सामान लिया जाता है, उसके एवज में पैसे दिए जाते हैं। दरअसल ये एक ऐसा तरीका होता है जिसे कई चीजों को ढकने और छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब जांच के दायरे में पूरा परिवार है, लगातार ईडी इनसे पूछताछ कर रहा है। आपको दिखा देते हैं पूरा फैमिली ट्री, कैसे राणा कपूर जो संस्थापक थे येस बैंक के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ये शामिल थे, बिंदु कपूर इनकी पत्नी है, 18 कंपनियों के निदेशक है, ये कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कोई कर्मचारी ही काम नहीं करता है, ये वो कंपनियां हैं जो फर्जी तरीके से बनाई गई और इनमें फंड ट्रांसफर किया गया। राखी कपूर उनकी एक बेटी है, रोशनी कपूर है और साथ ही राधा कपूर और आदित्य खन्ना जो राधा कपूर के पति हैं, ये दोनों कई अलग अलग कंपनियों में निदेशक हैं और कल लंदन जाते वक्त इनकी एक बेटी को रोक दिया गया था। उनसे कहा गया था कि पूछताछ में वो शामिल हो और जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाती है वो देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं। कहीं कस्टमर के मन में एक दुविधा है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 50,000 किसी को इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में वो कैसे विड्रा कर पाएगा। कल इवनिंग में भी आया था, अभी मॉर्निंग में भी आया हूँ, बट अगेन मतलब जो है कि ATM में कैश नहीं है। ये उन लोगों का दर्द है जिनकी गाढ़ी कमाई यस बैंक के खातों में फंसी है। अपने पैसों को लेकर इनके मन में हजारों सवाल है, जिसमें एक सवाल ये भी है कि कैसे उनके भरोसे का बैंक डूबती हुई कश्ती बन गया। यस बैंक के लड़खड़ाने की वजह जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे उनके संस्थापक राणा कपूर और उनके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है।
राणा कपूर, उनकी पत्नी और उनकी तीन बेटियां जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। घोटाले में राणा कपूर एंड फैमिली की क्या भूमिका रही, ये बताने से पहले आप राणा कपूर के परिवार को जान लीजिए। सबसे पहले नाम आता है राणा कपूर का, यस बैंक के संस्थापक। ये फिलहाल 11 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। इसके बाद है बिंदु, राणा कपूर की पत्नी। बिंदु 18 कंपनियों की निदेशक है। राणा और बिंदु की बेटियां राखी, रोशनी और राधा कपूर हैं। रोशनी 23 कंपनियों की निदेशक है तो राधा 20 कंपनियों की। राधा के पति आदित्य खन्ना भी कई कंपनियों में अहम भूमिका में है। मजे की बात यह है कि इन कंपनियों में परिवार के लोग डायरेक्टर हैं, जबकि कर्मचारी के नाम पर कोई नहीं है, या है भी तो एक या दो लोग। अब तक की जांच में यही सामने आ रहा है कि राणा कपूर ने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए खाता धारकों की गाढ़ी कमाई दांव पर लगा दी। एक परिवार के फायदे के लिए खामियाजा पूरे बैंक को भुगतना पड़ा। सवाल है कि ये यस बैंक के बुरे दिन कैसे शुरू हो गए, कैसे कपूर एंड फैमिली से घोटाले के तार जुड़ रहे हैं। इसे आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं, बैंक की ओर से ऐसी कंपनियों को लोन दिए गए जिनकी माली हालत बेहद खराब है। लोन के बदले उन कंपनियों ने राणा कपूर की बेटियों की कंपनियों को लोन की आड़ में करोड़ों की रिश्वत दी। इसी खेल में यस बैंक डूब गया। इस पूरे घोटाले में सबसे अहम नाम DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का है। साल 2018 में अप्रैल से जून के बीच यस बैंक ने डिबेंचर के जरिए 3700 करोड़ रुपए DHFL में निवेश किए। बदले में DHFL ने डूइट अर्बन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को 600 करोड़ का लोन दिया। डूइट राणा कपूर ग्रुप की कंपनी है। जिस कंपनी को लोन दिया गया वो कोई काम नहीं करती, इसके बावजूद इन्हें समय समय पर लोन के तौर पर एक बड़ी मोटी रकम मिली। आरोप है कि कंपनियों से मिली रिश्वत से राणा कपूर एंड फैमिली ने प्रॉपर्टी में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया। सूत्रों के मुताबिक राणा कपूर के परिवार ने रिश्वत के पैसों से जो संपत्ति खरीदी वो भारत के अलावा यूके में है। यूके की प्रॉपर्टी की कीमत का आकलन किया जा रहा है। यस बैंक मामले में CBI की भी एंट्री हुई है। CBI ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर राणा कपूर, दीवान हाउसिंग और DOIT के खिलाफ FIR दर्ज की है। दिल्ली से कमलजीत संधु, मुनीश पांडे के साथ मुंबई से दीपेश सिंह, सौरभ बक्तानिया, मुंबई आज तक। दरअसल मीनाक्षी, यस बैंक का ये मामला काफी पेचीदा है और लंबे वक्त से इस बैंक में गड़बड़ियां चलती आ रही थी, जिनको लेकर राणा कपूर के खिलाफ जांच भी चल रही थी, लेकिन अब पूरा परिवार इस जांच के घेरे में आ चुका है। कल देर रात राणा कपूर की पत्नी और बेटी से सवाल जवाब किए गए। जांच एजेंसी घोटाले के तार तलाश रही है, तो दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि 3 अप्रैल से पहले बैंक से 50,000 की पाबंदी हट सकती है। मुंबई में ईडी ऑफिस के दफ्तर के बाहर खड़ी ये राणा कपूर की बेटी और उनकी पत्नी है। दोनों को कल रात करीब 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये पूछताछ उस घोटाले से जुड़ी है जिसमें अब परिवार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। बैंक के पैसे कैसे परिवार की पपौती बन गए, इसकी जांच में पत्नी और बेटी से 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए, जिसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया। मैम, जिस तरह आरोप लग रहा है कुछ कहना चाहेंगे आप? राणा कपूर के खिलाफ जांच की कहानी कहां तक पहुंची ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यस बैंक के खाता धारकों के लिए जो जानना बेहद जरूरी है, यस बैंक पर लगी 50,000 की पाबंदी जल्द हट सकती है। 3 अप्रैल से पहले ही खाता धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। SBI डूबते यस बैंक को बचाने के लिए 10,000 करोड़ तक का निवेश कर सकता है। यस बैंक को बचाने के लिए SBI ने हाथ बढ़ा दिया है, लेकिन घोटाले के दलदल में फंसे राणा कपूर के परिवार की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ईडी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो पूरा घोटाला है वो 4,300 करोड़ से भी ज्यादा का है, क्योंकि यस बैंक ने DHFL को डिबेंचर्स दिए। ये एक तरीके का लोन होता है, और ये जो 3,700 करोड़ DHFL को दिए वो यस बैंक के पब्लिक के पैसे थे। राणा कपूर से 2 दिन में 30 घंटे पूछताछ हो चुकी है। उनकी होली भी ईडी की हिरासत में मनेगी। ईडी ने राणा कपूर की तीनों बेटियों और राधा कपूर के पति
आदित्य खन्ना के फोन लैपटॉप खंगाले हैं। जांच एजेंसियों को परिवार के देश छोड़कर भागने की भी आशंका है, इसलिए पूरे परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। कल जब यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की बेटी रोशनी लंदन जा रही थी तो उसे मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। अब कटघरे में सिर्फ राणा कपूर खड़े हैं। उनके परिवार से सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि बाकी दो बेटियों और दामाद से भी पूछताछ हो सकती है। मुंबई से एजाज खान के साथ दिल्ली से मुनीश पांडे, आज तक। बिहार की बात करेंगे जहां की सियासत में एक नई खलबली मच गई है जिसका नाम है पुष्पम प्रिया। पुष्पम नाम की लड़की ने खुद को बिहार का अगला सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। इनका दावा है कि 2030 तक वो बिहार को यूरोपियन देश जैसा बना देंगी। बिहार की सियासत में एक नई खलबली मच गई है जिसका नाम है पुष्पम प्रिया। पुष्पम नाम की इस लड़की ने खुद को बिहार का अगला सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। नीतीश को जरा भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि उन्हें एक अनजान नाम से चुनौती मिलने वाली है। पुष्पम प्रिया नाम की एक लड़की ने नीतीश को खुलेआम चेतावनी देते हुए खुद को बिहार का अगला सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है और अखबारों इंटरनेट पर बकायदा विज्ञापन भी निकलवा दिए हैं। बिहार के ज्यादातर अखबारों में छपे इस विज्ञापन को देखकर बिहार के लोग भौचक्का रह गए और हर तरफ पुष्पम प्रिया की चर्चा शुरू हो गई। हम आपको बताते हैं कि पुष्पम प्रिया नाम की बिहार की ये सियासी सनसनी आखिर कौन है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पुष्पम बिहार के जेडीयू एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी है। ब्रिटेन से डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय प्लूरल नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई है। अखबारों में इस इश्तेहार के सामने आने के बाद जेडीयू में खासी नाराजगी फैल गई है। जेडीयू नेता इस बात को बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहे हैं कि उनके बीच के ही किसी शख्स का परिवार नीतीश कुमार को चुनौती दे। अरे विनोद जी, हमारे सीनियर नेता है, उनकी बेटी एक व्यस्क है, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए बिहार आना पड़ेगा ना। लंदन में बैठ के आज देने से काम नहीं चलेगा, दिल्ली में रह के थोड़ा बिहार आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। देखिए, भोजपुरी में हमारे एक कहावत है कि पानी में पैर ना पड़े और पहला मांगुर मोर, मांगुर मतलब मछली, मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरिए, तो सही है, तुम कह रहे हैं, स्वागत है आपका, पानी में उतरिए। उधर पुष्पम के पिता वैसे तो खुद को जेडीयू का वफादार सिपाही बताते हैं, लेकिन बात बेटी की हसरतों की आई तो उनकी निष्ठा भी थोड़ी डगमगा गई। उनको इस बात के लिए मौका नहीं मिला होगा जो हमसे पूछेंगे। उनके निकटवर्ती लोगों ने मुझसे सवाल किया और मैं जो जवाब आपको दे रहा हूँ, जो बालिग है, शिक्षित है, उसका अपना निर्णय है। नाराज दिख रही पार्टी, ऐसा पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है क्या? पार्टी को सपोर्ट करने का क्या आधार है? पार्टी के शीर्षस्थ नेता को वो चैलेंज कर रही है, अब पार्टी हमको समर्थन करेगी, इसका तो सवाल नहीं। पुष्पम प्रिया ने अपने विज्ञापन और वेबसाइट में लंबे चौड़े दावे किए हैं। इसमें बिहार को 2030 तक यूरोपियन देशों के बराबर पर लाने की बात भी है। सुनने में अच्छा लगता है, होता कैसे है ये पुष्पम जाने। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की अब बात करेंगे जिसकी दुनिया भर में दहशत बढ़ती जा रही है और इसी का असर है कि प्रधानमंत्री मोदी को ब्रसेल्स के बाद अब बांग्लादेश का दौरा भी रद्द करना पड़ा है। इटली में तो चीन के बाद सबसे ज्यादा हड़कंप मचा है, तो वहीं हिंदुस्तान में अब तक 41 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरल का असर अब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और समारोहों पर भी होने लगा है। बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान जयंती शताब्दी समारोह रद्द कर दिया। 17 मार्च को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा टल गया। इससे पहले यूरोपियन यूनियन सम्मेलन भी कोरोना के कारण ही रद्द हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले थे। भारत में कोरोना के मामलों में एक ही दिन में 5 का इजाफा हो गया। सभी 5 लोग केरल के हैं। 5 में से 3 लोग पति पत्नी और उनका बेटा दोहा के रास्ते इटली के वेनिस से लौटे थे, लेकिन त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उन्होंने दोहा से पहले इटली जाने की बात छिपा ली थी। ये 3 लोग जिन रिश्तेदारों के संपर्क में आए उनमें से 2 लोग बीमार पड़ने पर 5 मार्च को अस्पताल पहुंचे। जांच के बाद पता चला कि वो कोविड-19 यानी कोरोना नोवल वायरस से पीड़ित हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि अब
ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताया तो आपराधिक मामला दर्ज होगा। Thousands and thousands of are coming back and coming in the airport and they should report properly and we are requesting people also to show the responsible behavior and now we are ready to tackle that problem. They are under our isolation and we are watching thoroughly. वहीं दिल्ली में कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कई फैसले लिए गए। दिल्ली में अब केवल आरएमएल और सफदरजंग ही नहीं बल्कि 25 अस्पताल सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। इनमें 19 सरकारी अस्पताल हैं जबकि 6 निजी अस्पताल हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए 168 बिस्तर तैयार हैं। मेट्रो बसों और अस्पतालों को हर दिन डिसइंफेक्ट किया जाएगा। कंपनियों दफ्तरों से अपील की गई है कि अगर उनके कर्मचारी इस वायरस से पीड़ित होते हैं तो उन्हें पेड लीव दी जाए ताकि इलाज के दौरान उनका खर्च चल सके। मास्क की कमी को देखते हुए अपील की गई कि स्वस्थ लोग मास्क न पहने, अगर संक्रमित होते हैं या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो मास्क पहने। सैनिटाइजर तय कीमत से ज्यादा पर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम जरूर एक्शन लेंगे लेकिन हम जनता को भी कहना चाहते हैं कि मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलरली बहुत फ्रीक्वेंटली, मैं भी अपने हाथ काफी फ्रीक्वेंटली धो रहा हूँ अब, तो अपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोना चालू कीजिए। उधर चीन के बाद इटली में भी हाहाकार मचा हुआ है। इस जानलेवा वायरस से इटली में एक ही दिन में 133 लोगों की मौत हो गई। इटली में अब तक कोरोना वायरस से कुल 366 लोगों की जान चली गई। यहां कोरोना एक ही दिन में 1492 लोगों के पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। ज्यादातर मामले यहां के लोम्बार्डी इलाके के हैं, जिससे निपटने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा मास्क के ऑर्डर दिए गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने आदेश जारी कर सिनेमा हॉल, थिएटर और संग्रहालयों को बंद रखने का आदेश दिया है। दिल्ली से गीता मोहन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।